नमस्कार, अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस की जन संदेश यात्रा गांव कैरू से पहुंची भिवानी, स्वागत में उमड़ी भीड़। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी व जेजेपी दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी सीटों का बंटवारा। चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से विधायक सर्राफ द्वारा। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि भाजपा का युवाओं को नौकरी देने का वायदा जुमला साबित हुआ है। वे गांव कैरू में पहुंची जनसंदेश यात्रा में ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाना है। यात्रा में कुमारी शैलजा और सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। इन नेताओं ने भाजपा सरकार को महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। जन संदेश यात्रा के माध्यम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि आज हरियाणा का युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। योग्य होने के बावजूद भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार इस बारे में उपेक्षा का भाव रखे हुए है। राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे, लेकिन एक बार भी जांच अपने नतीजे तक नहीं पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, प्रमाण पत्र घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, राशन घोटाला समेत दर्जनों घोटाले प्रकाश में आए, लेकिन किसी आरोपी को सजा नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा शासनकाल में महंगाई अपने चरम पर है। आए दिन पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा स्वयं भी जानती है कि वो आम जन के हित में न कोई योजना बना पाई तथा न ही कोई कार्य कर पाई। बार बार लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बरगला कर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इन सब मुद्दों को उजागर करने के लिए जन संदेश यात्रा शुरू की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव, यह कहना है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है और इससे जुड़े सभी दल अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अन्य दलों को डराने व दबाव बनाने के आरोप लगाए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से टूट चुका है। भिवानी पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही, पर सीटों को लेकर पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि चुनाव होने पर दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि कौन कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने बिखरते इंडिया गठबंधन पर कहा कि सोरेन जेल जा चुके हैं और बाकी दल भी अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सक्रियता पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपना संगठन तैयार करे, 10 साल में 3 अध्यक्ष व 5 प्रभारी बदलने पर संगठन नहीं बनता। भैया आप निरंतर देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम तो चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। आप चुनाव घोषित करवाओ, सारी चीज अपने आप डिसाइड हो जाएगी। कितनी सीटों पर दावा करेगी सर जी? मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव घोषित होते ही हम दोनों राजनीतिक दल बैठ के तय कर लेंगे। तो हमने तय करना है और सबसे पहले आपको ही बताएंगे।
वो जो इंडिया बनाया था वो तो अलग अलग हो गया, IMBI ये सब। अब कहीं ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने की बात कर गए, नीतीश छोड़ करके चले गए, भगवंत मान अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आज सोरेन कल रात को जेल में चले गए। कांग्रेस भूल गई इस बात को कि उसने CBI का कितना मिसयूज किया था। एजेंसी स्वतंत्र काम करती है, अपना काम करती है। नहीं भाई, हमारे तो 10 विधायक हैं, कम से कम 30 चाहिए। मैंने कहा ना, निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है, कंटिन्यू आप देखते हैं। मैं भी, दुष्यंत भी, दिग्विजय भी, सब लगे हुए हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। सर, बात करें कांग्रेस की, जो हरियाणा कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है, उठा गुट रैलियां कर रहा है, सार के ग्रुप अलग है, वो अलग यात्रा निकाल रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि 6,000 पेंशन होगी, मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे, क्या लगता है कि इस तरह? आप उनसे ये कहो कि पहले आप अपना संगठन बना लो। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते, वो लोग भी स्वप्न देख रहे हैं सत्ता में आने के। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने अंदाज में यात्राएं निकाल रही हैं। इसी कड़ी में BJP ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से की। विधायक घनश्याम सराफ ने इस अवसर पर कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी की विकास व कल्याणकारी नीतियों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीतने के लिए प्रयत्नशील है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कोई पार्टी न्याय यात्रा तो कोई परिवर्तन यात्रा के साथ बदलाव यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में BJP ने पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम चलो गांव की ओर के तहत नवा राजगढ़ गांव में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की। विधायक सराफ ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों से जनता खुश है और भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आगामी चुनावों में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य करती है। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें व विधानसभा चुनाव में 60 से 70 सीटें लेंगे। अब पार्टी के द्वारा घोषित ये कार्यक्रम है चलो गांव की ओर, उसके तहत सबसे पहले मैं इस गांव को, राजगढ़ को बड़ा अपना नजदीकी मानता हूं, इसलिए यहां से यह दौरा शुरू किया गया है। हम प्रत्येक गांव में जाकर जो पार्टी की नीति रीति जो भी है उन सब का बखान करेंगे और मोदी जी के फेवर में और माननीय मनोहर लाल जी के फेवर में ये सारी बातें करेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा समाज है, 36 बिरादरी का समाज, इसमें हमारे साथ रहेगा और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आज का जो बजट आया है उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है और जो भी काम हमारी सरकार करना चाहती है उन सब के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे ही ये चुनाव आने वाला समय है उसमें चुनाव में हम सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से गरीब किसान का कल्याण और सभी वर्गों का कल्याण, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार प्रयासरत है और करती है और करती रहेगी। इसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो है वो भी हरियाणा प्रदेश में विकास के काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार की छवि हमारे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने जो छवि बनाई है उससे पार्टी का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है। और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि 400 के पार तो हमारा केंद्र जाने की चेष्टा है और 55 से 60 सीटों के बीच में हरियाणा में आए, इसके लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील और लगनशील हैं। अब एक खबर चलते चलते, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। बजट के बारे में जानकारी रखने वाले ने बजट को मर्यादित व देश की अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित बताया, जिसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। CA पुनीत मेहता ने कहा कि बजट में कोई भी
चुनावी वायदे नहीं किए गए हैं। टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जबकि आयकर की सीमा 7 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। वहीं 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस की जन संदेश यात्रा गांव कैरू से पहुंची भिवानी, स्वागत में उमड़ी भीड़। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी व जेजेपी दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी सीटों का बंटवारा। चलो गांव की ओर, कार्यक्रम की शुरुआत नवा राजगढ़ से विधायक सर्राफ द्वारा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।